3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन इन न्यूज। आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। ब्यावर के बाद कल देर रात अजमेर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कांग्रेसजनों ने की अगवानी, माला पहनाकर किया जोरदार स्वागत। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं का लगा जमावड़ा। आरएसएस सामने आके करे राजनीति का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत की आजादी में कांग्रेस का योगदान। केंद्र राज्य की सरकार को गहलोत ने लिया आड़े हाथ। पुष्कर की बिगड़ती दुर्दशा और सरकार अभी भी सोई है का सांसद रघु शर्मा ने। पुष्कर की घाटों पर पानी नहीं और सड़कों पर फैलाए सीवरेज का पानी। निर्जला एकादशी पर इसी पानी में से निकली थी शव यात्रा। हरिभा उपाध्याय नगर में एक सूने मकान में हुई चोरी, मालिनी दी चोरी की सूचना, मामला थाने में दर्ज। क्रिश्चनगंज थाना पुलिस ने सेंट स्टीफन स्कूल में आयोजित किया कार्यक्रम। वॉलंटियर ड्रग डे पर हुआ आयोजन। पूर्व आरपीएससी चेयरमैन एमएल कुमावत रहे मुख्य अतिथि। पैरों से एक मिनट में तोड़े 20 बेसबॉल बैट। अजमेर स्थित मार्शल आर्ट संस्थान के पुरोहित ने बनाया रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड को भेजा जाएगा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए। एडीआर के तीसरे बैच का 3 दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग का समापन। न्याय अधिकारी व अधिवक्ताओं को दी ट्रेनिंग, 3 दिन चली ट्रेनिंग। 27 जून को होगा अजमेर टैलेंट हंट का ग्रैंड फिनाले। 30 बच्चे पहुंचे फिनाले में, राहुल कुमार भट्ट देंगे फिनाले में प्रस्तुति। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें horizonhind.com। सच के साथ।